चलिए सीधे आपको कुछ तस्वीरें दिखा रखी हैं वैक्सीनेशन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान संवाद कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। बन जाइए और बाकी को भी प्रेरित कीजिए। जी सर, आपको शुभकामनाएं। शिल्पी भी हैं सर, शिल्पी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं सर, उनका भी आज टीकाकरण हुआ है सर। क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं शिल्पी? यस सर। अभी तो ये कोरोना ने गड़बड़ कर दिया सारे एग्जाम्स वगैरह, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने थे वो भी, लेकिन चिंता नहीं, अच्छा समय आएगा, फिर बहुत जल्दी आएगा, बिल्कुल सर, फिर नॉर्मल परिस्थितियां बनेगी और हम लोग फिर सब तैयारी करके और अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ेंगे। आपको वैक्सीन लग गई? जी सर लग गई। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है, इवन जब पता पड़ा कि आज 18 प्लस वैक्सीनेशन का आज पहला दिन है, मैं तो बहुत एक्साइटेड और प्राउड फील कर रही थी कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। लगते समय कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। अंडर ऑब्जर्वेशन भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको आधा घंटे? नहीं सर। एनी साइड इफेक्ट कोई? नहीं सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई परेशानी आई हो, कोई सुझाव हो आपका कि ऐसा करना चाहिए, कोई ऐसी बात मन में हो गई? कोई दिक्कत नहीं आई है, इवन हम लोग जहाँ हमारा सेंटर है वहाँ का इतना प्रॉपर मैनेजमेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है यहाँ का। इवन मैं 18 प्लस जितने भी यूथ है, हम लोग का जनरेशन है कि हम लोगों को देश को आगे बढ़ाना है, तो मैं 18 प्लस हम यूथ से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमको वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए, इसमें कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है। बेटी, इसके बाद भी कोरोना की सावधानियां रखना है, वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि अब तो वैक्सीनेशन हो गया, तो मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग ये सब रखेंगे ना? जी सर। ये संदेश भी देना होगा आपको। जी सर। बाकी सबको भी आप प्रेरित करने के लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल सर, मैं सबको मोटिवेट करूंगी, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो डीमोटिवेट करते हैं लोगों को कि वैक्सीनेशन नहीं करना, ये नहीं लगाना, ऐसा होता है ऐसा, पर कुछ नहीं होता है। यदि आपको बुखार भी आता है तो हमको यहाँ पर बताया क्या क्या करना है, आपको 2 दिन का रहता है, कुछ भी नहीं होता है। इवन हमको हमारे देश को मोटिवेट करना है, आगे बढ़ाना है, और आपकी हमारी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे मामा जी की वजह से हम लोग को इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। बेटी, मैं ये कहूंगा आपसे और आपके माध्यम से सबसे, कोरोना से लड़ना है तो मनोबल बना के रखना पड़ेगा। लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मैं सच बताता हूँ, मुझे भी कोरोना हो गया था, सर्दी जुकाम बुखार से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर समय पे आपने, मुझे कोरोना हुआ मतलब मेरे हाथ पैर में तकलीफ हुई, हल्का बुखार आया, मैं बल्लभ भवन में काम कर रहा था, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके माध्यम से सबसे, तो मैं घर आया रात में और मैंने रात में ही टेस्ट करवाने के लिए सैंपल दे दिया, सवेरे पॉजिटिव आ गया, मैंने इलाज शुरू कर दिया, एकदम ठीक होकर वापस आ गया। अगर मैं भी ये सोचता कि तो सर्दी जुकाम है, 2 दिन वेट कर लो, देख लो, इंतजार कर लो, तो फिर धीरे धीरे जब तक ये वायरस नाक में और गले तक रहता है तब तक कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाता, अगर हमने दवाइयां ले ली तो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये वायरस लंग्स में प्रवेश कर गया तो मल्टीप्लाई होकर ये लंग्स को पूरी तरह से फिर खराब कर देता है, और जितनी भी गंभीर समस्याएं आती है या डेथ्स भी होती हैं, ये तब होती है जब हम लापरवाह होते हैं, बताते नहीं है, कई दिन घर पे गुजार देते हैं, और बाद में वो लंग्स को जब हमारा नुकसान पहुंचाता है और बाकी हिस्सों में पहुंच जाता है, तब डेथ होती है या तब बहुत परेशानी होती है, तब ऑक्सीजन लगती है, तब वेंटिलेटर लगता है। तो क्यों वेंटिलेटर का वेट करें, क्यों ऑक्सीजन का वेट करें? मैं लोगों से कहता हूं कि मास्क कफन से छोटा है तो मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग रखें, सावधानी रखें, और जरा भी सर्दी जुकाम बुखार है तो तुरंत बताएं कि है, तो तुरंत सैंपल लेंगे और सैंपल के पहले ही होम आइसोलेट करके दवाई दे दें। आजकल हमने व्यवस्था की कि मेडिकल किट तुरंत दे दो ताकि दवाई तुरंत खाना शुरू कर दे, तो 4 दिन में इसको खत्म कर दें अपन। वो सावधानी जरूरी है, ये संदेश भी मुझे आपके माध्यम से देना था, बहुत शुभकामनाएं। ग्वालियर जिले से सर आयुषी सिंह तोमर हमसे जुड़ी हुई है, ये एडवोकेट भी है सर, इनका आज वैक्सीनेशन हुआ। आयुषी, आयुषी बेटी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो जूझ रहा हूँ अभी कोरोना से, आप देख रही हो बेटी, दिनों रात लगे हुए, ये समय थोड़ा संकट का, लड़के जीतना है अपन को, मानवता को बचाना है। आपने वैक्सीन लग गई आपको? जी। प्रैक्टिस कब से कर रही हैं आप कोर्ट में? तो एक्चुअली मैं प्रैक्टिस से कर रही हूँ, मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में कर रही हूँ।
अच्छा अच्छा ये वैक्सीन लगने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत काफी एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। अच्छा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आजकल? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई साइड इफेक्ट? नहीं नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। अच्छा, वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था की है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और जब आपका नंबर है तब आएं, तो ये व्यवस्था आपको ठीक लगी? आपको सुझाव देना चाहेंगे? मुझे बहुत सही लगा कि इजीली ऑर्गेनाइज्ड है, आपका स्लॉट आ जाता है, डेट आ जाता है, नाम आ जाता है, तो रजिस्ट्रेशन करना भी काफी इजी है। आप स्टेप्स पढ़ते जाइए और रजिस्ट्रेशन करते जाइए तो काफी इजी है। अच्छा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैक्सीनेशन सेंटर पे सोशल डिस्टेंसिंग या बाकी सब चीजों का पालन हुआ है? हाँ सर, हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में काफी मैनेजमेंट था, पूरा प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज था। आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से? सर, मैं यही बोलना चाहूंगी उसको कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए और वैक्सीनेशन कराना चाहिए आगे, क्योंकि यही एक चीज है साइंटिफिकली जो भी प्रूवन है कि हमें कोरोना से बचा सकते हैं। तो मैं यूथ को यही बोलूंगी कि वैक्सीन से डरे नहीं, क्योंकि कुछ भी ऐसे डरने जैसा है नहीं, आके वैक्सीनेशन कराएं। आपने बहुत सही सलाह आयुषी सबको दी है, मैं भी आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सब बच्चों को, यूथ को भी और 45 प्लस को भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को कवर करके सुरक्षा चक्र देंगे वैक्सीन का। इस महीने जैसा मैंने बताया कि लगभग 9 लाख बच्चों को हम लगा पाएंगे और लगातार मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा डोजेज हमको प्राप्त हो जाए ताकि हम अधिकतम पॉपुलेशन को कवर करें। निःशुल्क कवर करेंगे, सबको कवर करेंगे, लेकिन आए तब जब आपका नंबर आए, क्योंकि अपन को वैक्सीनेशन सेंटर पे भीड़ नहीं लगानी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और इसके बाद भी मास्क लगाए रखना है, ये तो आपको ध्यान है ना जी। आफ्टर वैक्सीनेशन भी सावधानी पूरी रखना है जी। तो ठीक है बेटी, बहुत आपको शुभकामनाएं। सर वहां पर सत्यांश शाह भी है सर जिनका आज वैक्सीनेशन हुआ है, सर आप उनसे चर्चा करना चाहेंगे सर? कैसे हो सत्यांश? एकदम बढ़िया सर। हाँ, वैक्सीन लग गई? जी सर, लग गई। अच्छा, अंडर ऑब्जर्वेशन आपको आधा घंटा रखा था? बिल्कुल सर, रखा गया था आधा घंटा। कोई आपको बेचैनी, घबराहट, साइड इफेक्ट? सर कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम नॉर्मल है आप? बिल्कुल सर, एकदम। वैक्सीनेशन के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? सर काफी अच्छा फील कर रहा हूँ सर, मेरा कोरोना भी हो गया था, आपने बता रहे थे मेरा सैचुरेशन 82 चला गया था। अच्छा, कब हुआ था कोरोना आपको? सर मेरे को अक्टूबर के पहले हुआ था, पिछली बार ही। अच्छा, अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था या घर पे ठीक हो गए थे? 15 दिन ऑक्सीजन पे रहा था सर। पर सर 15 दिन ऑक्सीजन पे रहे सर, मनोबल पॉजिटिव था जैसे आपने बताया, तो सर 15 दिन में रिकवर करके 30 दिन बाद में रखना था, बहुत बार योगा चालू किया था तो बहुत जल्दी रिकवर कर गया था। देखिए सत्यांश बता रहे हैं, मैं भी अस्पताल गया था सत्यांश, मैं भी हॉस्पिटल गया था। हाँ, तो हम भी गए, आप भी गए, लेकिन मनोबल ऊंचा था। मैं आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ, कोरोना के पेशेंट्स भी जो मध्य प्रदेश में है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अगर हो भी गया तो काय की चिंता, इलाज करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। समय पे दवाइयां ले ली, एक तो समय पे आ जाए अपन, देर ना करें, समय पे दवाई ले ली तो ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। और एक बात आपने बहुत अच्छी की, मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, मैं रोज योगा भी करता हूं और प्राणायाम भी करता हूं, अनुलोम विलोम मैं करता हूं, भस्त्रिका करता हूं, भ्रामरी करता हूं और ओम का उच्चारण करता हूं, ये लंग्स को मजबूत बनाते हैं। मेरा सभी भाई बहनों से कहना है कि हमने ये योग से निरोग करके भी एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें योग प्रशिक्षक हमने तय किए हैं और होम आइसोलेशन में जो हमारे भाई बहन है उनको वो ऑनलाइन समझाते हैं कि प्राणायाम कैसे किया जाता है। तो कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन एक बहुत प्रभावी उपाय है, लेकिन उसके साथ अगर हम अपने शरीर को मजबूत बनाएं, थोड़ा सा योग करें, व्यायाम करें, कुछ वॉक करें, थोड़ा सा शारीरिक श्रम करें और उसके साथ साथ प्राणायाम ध्यान करें, तो उससे भी हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, मनोबल मजबूत होता है और हम उसको पराजित कर सकते हैं कोरोना को बिल्कुल, और इसको हराना ही है, कोरोना को पूरी तरह से समाप्त करके चैन की सांस लेना है, क्योंकि ये मानवता का दुश्मन है। ग्वालियर में आप ये जरूर संदेश देना कि कई बार सड़कों पर लोग कोरोना कर्फ्यू में भी निकल पड़ते हैं, अब थोड़ा सा अलग स्वभाव के लोग हैं अपने तो वो, लेकिन इस समय क्या कोरोना से घर में रह के ही लड़ना है, ये ऐसा दुश्मन है कि इसमें मैदान में तलवार चला के इससे नहीं लड़ सकते हम, इसमें अनुशासन का पालन करके ही लड़ सकते हैं। इसलिए जब तक कोरोना कर्फ्यू है तब तक घर में रहें,
और सारे कोविड के नियमों का पालन करें। आप बेटा बेटी दोनों बैठे हैं, आयुषी भी बैठी है, सत्यांश भी बैठे हैं, बाकी भी हमारे बेटा बेटियां बैठे हैं, एक मैसेज और देना, कभी शादी विवाह बड़े कार्यक्रम बिल्कुल नहीं करें। सुपर स्प्रेडर है ये, ऐसा फैलता पूरे के पूरे घराती बराती और कितना नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी चीजें भी अपन को रोकना चाहिए। और इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप भी कोरोना वॉलंटियर बन जाओ, बाकी समाज में भी चेतना फैलाने का काम करो। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सब। हाँ कुछ कहना चाहेंगे? तो वो लोग आगे आए और प्लाज्मा डोनेट करें, बिकॉज आज के कोरोना थेरेपी में प्लाज्मा डोनेशन बहुत बड़ा ग्रुपर माना जा रहा है, काफी हेल्पफुल है, क्योंकि हम लोग ब्रेन से जैसे काम कर रहे हैं एज अ कोरोना वॉलंटियर ऑलरेडी कॉल कर, तो हम बात पूरी करवाए। नहीं आप बोलिए। आयुषी ने बिल्कुल सही सलाह दी है, मैं आयुषी की बात का समर्थन कर रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि हम प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा डोनेट करके भी हम बाकी कोरोना रोगियों के इलाज में मदद कर सकते हैं, इसलिए ये अपील भी कर रहा हूँ। और यूथ से आज एक अपील और कर रहा हूँ, और वो अपील ये है कि वैक्सीनेशन के बाद हम फिर ब्लड डोनेट नहीं कर सकते एक निश्चित समय सीमा तक, और इसलिए जिन बच्चों का वैक्सीनेशन होना है वो वैक्सीनेशन के पहले अगर ब्लड डोनेट कर देंगे तो ब्लड की जिनको इस दौरान जरूरत होगी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वैक्सीनेशन का अभियान अब लगातार जारी रहेगा। हर सप्ताह हम 4 दिन वैक्सीनेशन का अभियान चलाएंगे, ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। इसलिए मेरी यूथ को अपील है कि आप अगर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन के पहले 1 दिन 2 दिन पहले आप अपना ब्लड डोनेट कर दीजिए, ताकि वो किसी के जरूरतमंद के काम आ सके, क्योंकि हम केवल अपने लिए नहीं है, सबके लिए, अपने समाज के लिए हैं, सब अपने भाई बहन बेटा बेटी हैं, और इंसान की पहचान ये है कि एक दूसरे की मदद करे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई अपने यहां कहा गया है, तो अगर हम दूसरों के सेवा के लिए प्लाज्मा डोनेट जो कर सकते हैं प्लाज्मा डोनेट करें, जो जो पात्र हैं उसके जो कोरोना पेशेंट रह चुके हैं पहले, और जिनको ब्लड डोनेट करना है वो वैक्सीनेशन के पहले ब्लड डोनेट कर दे, ताकि ब्लड की कमी नहीं रहे। मैं अपने सब बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और बाकी सबको भी कहता हूं कि आपका नंबर भी वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन लगने के लिए आएगा, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के साथ प्रेरक संवाद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं सर। इस कार्यक्रम को वेब लिंक के माध्यम से भी हजारों लोगों ने इसको देखा और सुना है सर, मैं समझता हूं इससे उनको प्रेरणा मिलेगी सर, और हमारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा सर। धन्यवाद सर। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, और साफ तौर से उन्होंने वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए युवाओं के साथ संवाद किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये संवाद, और युवाओं से जाना कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा वैक्सीनेशन के दौरान, और प्रदेशवासियों से लगातार उन्होंने अपील की है कि वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि कोरोना की इस महामारी को हम जल्द से जल्द काबू में ला पाएं।